दोस्तों अभी यहाँ से लेके तुम लोगों को हर जगह का मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी ये जो है कड़कवट्टी का एरिया है, यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो आगे दोस्तों बने रहिए, बहुत सी वीडियोस है, काफ़ी सारा पानी जमा हुआ है। और ये जो है अपना गोपाल शहर का पहाड़, और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये शिंगड़ापुर ग्लूकोज फैक्ट्री, और ये जो है तो अभी इसके आगे जो है हमारे यहाँ पे फजल भाई लोडसोर ब्रिज का थोड़ा बहुत वहाँ का रिपोर्ट बताएंगे। तो लोडसोर ब्रिज के बाद मैं आप लोगों को हर गली का वीडियो, आगे बने रही है दोस्तों वीडियो के साथ में मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पानी कहाँ तक है आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये रोड अभी फिलहाल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आपको यहाँ पर पानी उतरने के बाद भी यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं रहेगी। तो दिखलाते हैं, बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर देख सकते हो लोगों के जो यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के कुछ सामान बेचने वाले लोग थे, वो उनके पूरे दुकानें अभी फ़िलहाल टूट चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हो अभी भी काफ़ी पानी यहाँ पर है। ये लोडसोर ब्रिज का नया अपडेट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है भाई, देख सकते हो ये पानी का नज़ारा आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दरगाह मोहल्ले का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी काफ़ी नीचे चला गया है। आज 30 तारीख है 2024, तो कल यहाँ पे पानी तकरीबन 5 या 6 फीट हाइट पे बह रहा था। अभी इस जगह पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं पानी तो यहाँ तक आ चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन पहले जो है ये पानी इस पेड़ के ऊपर से बह रहा था, हो चुका है। आज नए ब्रिज का शुरुआत हो चुकी है, आज लोग जा रहे हैं, यहाँ से रास्ते भी खुले हुए हैं, और चिक्कोड़ी फर्शी का भी रोड खुला हुआ है। और भारत नगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन ये दरवाज़े के लेवल तक पानी था, अभी ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे चला गया है। और यहाँ पे एक चेंबर है, उस चेंबर को देखते हैं, क्योंकि वहीं पे चेंबर के ज़रिए ही पानी जल्दी जाता है। यहाँ पे लोग भी अभी पानी का ये हो चुका है, रास्ता बन रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं चेंबर का एक दरवाज़ा यहाँ पे है, अभी तक वो खुला नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन वहाँ अंदर तक का पानी चला गया था, तो अभी इसके लिए ये जो चेंबर है ये खुलने के लिए यहाँ पे एक पाइप है, वो पाइप का अभी रास्ता खुला नहीं है, जब तक वहाँ नीचे नहीं जाता तब तक ये पानी ऐसे ही रहेगा। ये हाड़बाग गली मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है दरगाह मोहल्ले को जाने का रास्ता है, यहाँ भी अभी रास्ता बंद है, अभी मुकम्मल तौर पे खुला नहीं है। वहाँ तक आप देख सकते हैं तकरीबन पूरा पानी ही पानी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं अगले मोहल्ले का क्या हाल है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे मटन मार्केट, तो मटन मार्केट पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन मार्केट आ चुके हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे पूरा पानी अंदर तक चला गया था घरों तक, तो काफ़ी मस्जिद के करीब हो गया था पानी। और ये देखिए आप यहाँ पे वाटर लेवल है, लोग अपनी अपनी दुकान साफ़ करने लगे हैं, और तकरीबन यहाँ से और पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मोहरम का मैदान है, ये मैदान के अंदर पानी चला गया तो फिर सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पे इम्तियाज़ गैरेज है, ये भी ऑलमोस्ट पानी में थी, तो अभी ये लोग क्लीन कर रहे हैं। एल्तन का इतने नीर ना 104 फुट है, हाँ 104 फुट ला। यहाँ पे 4 फुट से ज़्यादा पानी था, और
देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा मोहरम का जो मैदान है ऑलमोस्ट पूरा बह चुका है। तो दोस्तों बने रहिए, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान की तरफ, तो वहाँ पे आप लोगों को वहाँ का जो भी सूरत हाल है आप लोगों को बताएंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग कब्रिस्तान मस्जिद आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट यहाँ से हट चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो कब्रिस्तान मस्जिद के गेट के तकरीबन क्रॉस करके चला गया है, और यहाँ पे पानी जो है ये रास्ता खुलने के लिए तकरीबन और अगर इसी तरह स्पीड रही पानी की उतरने की तो तकरीबन 4 घंटे में ये पानी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो गोकाक म्यूनसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही पानी क्लियर हो रहा है, हर जगह देख रहा हूँ मैं, जैसे ही पानी क्लियर हो रहा है तो ये लोग यहाँ पे पूरा क्लीनिंग का फुल ख्याल रख रहे हैं। जैसे ही पानी सरकता है यहाँ पे क्लीन करके और उसको यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं जो अपना क्लीनिंग का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं लोग। तो दोस्तों बने रहिए, अभी तो ये लास्ट हमारा यहाँ तक का जो ये था साइट जो था हम लोग विज़िट किए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर गली है, और ये भी अभी यहाँ पे पानी बहुत है अंदर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये पानी क्लियर होने के लिए यहाँ से जो एक ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी गटर है, ये गटर के रास्ते से पानी अगर नीचे की तरफ चला तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।